Dear student, I am Pradeep Kumar Sahu, Assistant Professor Horticulture, Bharti College of Agriculture, Gurugram. So, आज का हमारा लेक्चर है पेरिविंकल क्रॉप्स, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ पेरिविंकल क्रॉप्स, जिसको हम सदाबहार कहते हैं या सदाबहार के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने पहले लेक्चर पे देखा था कि इसकी कल्चर कंट्रीज में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम करते हैं इसके बाद मेन्यूस फर्टिलाइजर्स की जस्ट बात करते हैं, खेत की तैयारी लैंड प्रिपरेशन। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें या किस प्रकार से हमको पेरिविंकल सदाबहार की खेती के लिए करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि चूंकि जो है सदाबहार एक बहुवर्षीय फसल है, बहुवर्षीय क्रॉप्स है या प्लांट है, तो इसके खेत की तैयारी के लिए भली भांति जो है भूमि तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम पहली जुताई जो है किसी मिट्टी प्लांटर से, उसके बाद में 2 से 3 जुताई जो है कल्टीवेटर या हैरो से करते हैं, ताकि सॉइल को फ्राइएबल भूरा जो है पूर्ण रूप से बना ले। और खेत में जो भी खरपतवार है, वीड्स है, कंकड़ पत्थर बालू है या वीड्स के जो होस्ट प्लांट है, उसको भी हम खेत से रिमूव कर देते हैं। तो खेत की तैयारी के समय हमको महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है कि भूमि जो है उचित प्रकार से उसका जुताई किया हो, समतल किया हुआ हो और ड्रेनेज चैनल्स बनाए जाए, ड्रेनेज या एक्सेस वाटर को निकालने के लिए जल निकासी की उचित सुविधा है, उसको भी हमको पर्याप्त रूप से ध्यान देना है, उसके ऊपर मैनेजमेंट करना है। तो 2 जुताई हम कल्टीवेटर से करते हैं, देन उसी टाइम हम गोबर की खाद FIM और कंपोस्ट खाद जो पूर्णतः डीकम्पोस्ट हो, पूर्णतः सड़ी गोबर की खाद हो, चाहे फार्म यार्ड कंपोस्ट हो, उसको हम भूमि की तैयारी के समय डाल देते हैं। तो रासायनिक खाद की मात्रा भी हम उसी टाइम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा है उसको डाल देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है हम सॉइल प्रिपरेशन या फील्ड प्रिपरेशन के समय डाल देते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी की मात्रा जो है खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देते हैं, देन उसको समतल कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है उसको रोपण के 1 माह पश्चात यानी कि ऊपरी ड्रेसिंग टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना है और उसको भली भांति खुरपी से मिट्टी में रासायनिक खाद या नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको भूमि में मिला देना है। तो इस प्रकार से खेत की तैयारी के समय हम ये सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं पेरिविंकल से खेती करने के लिए। अगला हमारा नेक्स्ट है कि इसकी उन्नत किस्म इम्प्रूव्ड वेराइटी। उन्नत प्रजाति, अब हम देखते हैं कि उन्नत प्रजाति जो है सदाबहार कौन कौन से, कहां कहां, कौन से इंस्टीट्यूट से जो है रिलीज हुआ है। तो आमतौर पर सदाबहार की कंपोजिट किस्म ही उगाई जाती है जिसमें कि निम्न गुणवत्ता वाली कम उपज होती है, तो इसकी उन्नत किस्म ही उगाना चाहिए। कि जैसे कि सदाबहार की सबसे ज्यादा रिलीजिंग वेराइटी है या जाना पहचाना हुआ वेराइटीज है, ख्याति प्राप्त हुआ वेराइटीज है निर्मल। तो सदाबहार की वेराइटी है निर्मल, सदाबहार की एक उन्नत किस्म है जो अधिक उपज देने वाली वेराइटी है, साथ ही साथ उत्थान विट डिसीज और डाइबैक डिसीज के लिए प्रतिरोधी है, रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो अतः इसी किस्म को जो है कृषकों को सजेस्ट करना चाहिए लगाने के लिए, इसी किस्म को लगाना चाहिए, इसी वेराइटीज को जो है सजेस्ट करना है। अगला हमारा नेक्स्ट है
आठ से दस गुना रेत मिलाकर बुआई की जाती है, और दूसरा जो है बीज से नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, जो कि कमर्शियली व्यावसायिक दृष्टि से बीज से पौधा तैयार करना उचित रहता है, जिसका निम्नलिखित प्रकार से नर्सरी तैयार करना है। तो इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है। पहला इसका मेथड है प्रोपगेशन डायरेक्ट सीडिंग। प्लांट टू प्लांट
ये रेनफॉल्स रेनफॉल के सीजन्स में है। रेनफॉल के सीजन्स में रो टू रो की दूरी जो है 45-30 सेंटीमीटर रखते हैं रेनफॉल सीजन में वर्षा ऋतु में, और प्रति हेक्टेयर लगभग इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है जब पूरे पर हेक्टेयर प्लांट पर हेक्टेयर प्लांट 77,500 प्लांट पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट है। तो पौध रोपण ट्रांसप्लांटिंग में हम देखते हैं कि पहला कि डिस्टेंस सिस्टम, तो 30 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट से दूरी होना चाहिए, और दूसरा है इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, थिनिंग ऑपरेशन करना है 60-75 डेज में, और तीसरा चीज है रो से रो की दूरी जो है 45-30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर जो है रो टू रो है, और 30 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट है। देन पर हेक्टेयर जो प्लांट का पॉपुलेशन होना चाहिए 77,500 प्लांट पर हेक्टेयर जो है रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि सिंचाई एरिगेशन, जब वाटर मैनेजमेंट
days after transplanting. Days after transplanting. और दूसरा जो है हम लोग करना है, सेकेंड जो है 60-75 डी में डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. तो इस प्रकार जो है वीट को कंट्रोल करने के लिए पहला जो है डाइग्राइड 30-35 दिन में करते हैं और दूसरा जो है 60-75 दिन में करना चाहिए. और रासायनिक रूप से अगर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ्लू क्लोरामीन 0.75 पर हेक्टेयर ऑफ या एलेक्ट्रो 1.0 केजी पर हेक्टेयर के उपयोग से भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं या किया जा सकता है. अब हमारा दूसरा चैप्टर है कि रोग नियंत्रण, डिसीज कंट्रोल. तो डिसीज कंट्रोल के लिए हम दूसरा है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन में डिसीज कंट्रोल. तो डिसीज कंट्रोल में हमारा है पहला है आमतौर पर जो सदाबहार फसल पर अधिक रोग लगते नहीं लगते परंतु कभी कभी कुछ रोग लग जाते हैं, जैसे जिसमें कि मैंने बताया कि जो है डाई है हस्त है डाई है. तो डाइबैक उठा है विंट देन सेकंड विंट डिजीज और तीसरा है फ्यूजेरियम विंट. फ्यूजेरियम विंट और तो निम्न प्रकार के जो रोग लगते हैं डिजीज उसके लिए कंट्रोल करना है, जैसे कि इसके लिए फंगीसाइड है जैसे टाइफन एम 45 या 22 के 0.3% घोल का छिड़काव करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो 15 दिन बाद जो है पुनः दूसरा छिड़काव करते रहना चाहिए. अब नेक्स्ट है इंसेक्ट कंट्रोल. तो आमतौर पर सदाबहार की फसल पर कीटों का प्रकोप नहीं होता है. अब हम देखते हैं कि फसल की खुदाई हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग तो सदाबहार की पत्तियों की जो है कटाई की जाती है. सदाबहार की 6 माह पुरानी पत्तियों की कटाई में करना चाहिए. उसके उपरांत जो है 3 माह के अंतराल पर फिर से 2 बार कटाई करना है या कटाई की जाती है. पत्तियों को तोड़ने के उपरांत छाया में पक्के फर्श पर सुखाया जाता है. जड़ों को 6 माह बाद में 6-10 सेंटीमीटर के लंबे तने से उखाड़ करके सुखाया जा सकता है. वैसे जड़ों के अधिक उपज लेने पर 8-12 महीने में फसल को उखाड़ने पर प्राप्त होती है और तने के लिए भूमि से 7 सेंटीमीटर ऊपर से काट कर सुखा लेते हैं. फसल की जो संपूर्ण अवधि में कई बार बीज आते हैं, अतः अंतिम फसल से आगामी फसल में ताजे बीज एकत्रित कर लेने चाहिए. फसल की खुदाई से पूर्व एक हल्की सिंचाई लाइट या हल्का एलिवेशन जो है कर देना चाहिए ताकि पौधों को सुगमता से उखाड़ा जा सके. अब हम देखते हैं इसमें उपज की कीड़े. तो सदाबहार की उपज जो है कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि की उर्वरता शक्ति, सॉइल फर्टिलिटी, उगाई जाने वाली जो वैरायटीज, क्लाइमेट, सॉइल और हमारी इंटरकल्चर ऑपरेशन, हमारी देख रेख, इन सब बातों पर निर्भर करते हैं कि हम फसल का कैसे किस प्रकार से मैनेज करते हैं या कल्टिवेशन करते हैं या कैसे किस प्रकार से उसकी देख रेख, निदाई गुड़ाई, प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, इन सब बातों को डिपेंड करते हैं इसकी उपज के लिए. तो सिंचित अवस्था में पत्तियों, तनों और जड़ों सभी सूखे हुए उपज क्रमशः जो है 14.4 या 6.0 एवं 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाते हैं. तो इसकी उपज है 96 क्विंटल पर हेक्टेयर. रूट स्टेम और लीफ तो ये पूरे जो है ऑल ओवर रूट स्टेम एंड लीफ तीनों का जो है
जड़ और पत्ती सिंचित अवस्था में एरिगेटेड कंडीशन में 96 क्विंटल पर हेक्टेयर में इसकी उपज प्राप्त होगी। इसकी जड़ों को सुखाने के लिए जड़ों के 15 से 20 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लिए जाते हैं, फिर उन्हें छाया में सुखाया जाता है। तो बिक्री मूल्य देखते हैं, हम इसका मार्केटिंग देखते हैं। पहला बिक्री मूल्य देखते हैं, मार्केटिंग बिक्री मूल्य सदाबहार फसल पहला है सूखी जड़ बीज का भाव है 80 से 100 रुपया पर बीज। तो हम देखते हैं कि सदाबहार बिक्री मूल्य मार्केटिंग रेट है, बिक्री मूल्य है सदाबहार फसल सूखी जड़ से हमको जो है 20 से 25 रुपया पर केजी हम इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरा है हमारा सूखी जड़ पत्ती, सूखी पत्ती को हम 10 से 12 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको बेच सकते हैं मार्केट में। और तीसरा है बीज का भाव, जो सेट का रेट है उसका कितना होना चाहिए, तो 80 से 100 रुपया पर केजी बीज का जो है भाव सेट का रेट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सदा